टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। मैं मानता हूँ मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूँ मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। भाई लोकजन शक्ति पार्टी रामविलास और इन 5 सीटों में संभव नहीं है कि आप सबको आप संतोष कर सकें। ऐसे में पार्टी ने गहन चिंतन गहन मंथन के बाद जो पार्टी का फैसला हुआ और पार्टी ने हर स्तर पर चिंतन किया है मंथन किया है, सर्वे के आधार पर फीडबैक के आधार पर फीडबैक भी अलग अलग तरीके से संगठन के माध्यम से फीडबैक्स हम लोगों ने मीडिया के साथियों के माध्यम से स्थानीय वहां के लोगों के आधार पर सो इन तमाम मेथड से इन तमाम क्राइटेरियाज को पार करते हुए टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। जो समय लिया गया है वो समय इन सर्वेस को कराने में फीडबैक्स लेने में कराया गया और मैं पुनः दोहराता मात्र 5 सीटों पर 500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं और जिन लोगों को नहीं मिला मैं उनकी नाराजगी को भी मैं सम्मान देता हूँ। स्वाभाविक है पार्टी से उम्मीदें होती हैं, पार्टी से अपेक्षाएं आपकी होती है और ये सवाल हर बार बरकरार रहता है और ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही नहीं कहीं पर भी चले जाइए ये सवाल हर बार बरकरार रहता है कि यही क्यों। ये आप किसी को भी देंगे ये सवाल उठेगा कि यही क्यों। अंतोगत पार्टी ने जब तमाम विषयों पर चर्चा की है उसके बाद मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है पार्टी ने 2 चीजों को प्रमुखता से उसका ध्यान दिया है। जहां युवाओं का रिप्रेजेंटेशन मजबूती से हुआ है, मैं मानता हूं मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूं मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहां पर देखेंगे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है नारी वंदन अधिनियम अभी पिछले सत्र में ही हम लोग लेकर आए हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दिए हैं और सबसे बड़ी बात 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, युवा बिहारी अपने आप को कहलाता हूँ, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए युवा बिहारी लिखता हूँ। मुझे खुशी है कि युवाओं की ये टीम है, यंग सोच है, फ्रेश आइडियाज हैं और पढ़े लिखे युवा। अगर मेरे जीजा जी का भी जिक्र आता है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि ये इनके जीजा हैं। पर उस व्यक्ति को आप देखिए विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी खुद की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे शंभवी मेरे साथ हैं, वीना जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे युवा चेहरे, ऐसे चेहरे जो जब भारत की संसद में जाएंगे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप सबसे मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ ये वो खूबसूरत छवि है जो हम लोग को बिहार की प्रस्तुत करनी है देश और दुनिया के सामने। जब ये लोग जब जाकर वहाँ पर बिहार की बात को रखेंगे, आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को देखा जाता है, यह छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, इस छवि को बदलने की ऐसे पढ़े लिखे युवाओं सामने आना जरूरी है और मुझे लगता है ये खूबसूरत चुनाव